अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में रखे। आज है तीसरे रमज़ान की रात और हम आए हैं मस्जिद आयशा। ये मेरी बैग पे मस्जिद आयशा है। इन अल्हम्दुलिल्लाह हम उमरा करने जा रहे हैं। रमज़ान का मेरा पहला और आखिरी उमरा है, क्योंकि एक तो ये सऊदी हुकूमत की तरफ से भी था कि रमज़ान में आप एक उमरा ही कर सकते हैं, तो वो अब हम कर रहे हैं। और लास्ट उमरा क्यों है ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगी क्यों है लास्ट उमरा मेरा। तो अभी हम मस्जिद आयशा आए हैं, यहाँ मंदिर जाते हैं और अपने एहराम की और उम्रे की नियत करते हैं, और फिर उसके बाद हम मस्जिदुल हराम जाएंगे। एक यहाँ से ये पुल वाला भी रास्ता है, बस जाती है और एक गाड़ी जाती है, टैक्सी जाती है। और पुल बस जो है वो तो बहुत दूर उतारती है जरवल वाली साइड पे, जबल काबा पर, और वहाँ से काफ़ी चल के जाना पड़ता है। और लेकिन और टैक्सी जो है वो बिल्कुल नीचे आपको नीचे पार्किंग में उतारेगी, तो बस आपने एसीलेटर से ऊपर आना और आप हरम में पहुंच जाएंगे। तो हम उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हम नफल पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस पर जाना है। तो इस टाइम रात के तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और उमरा यही मिला, इसी टाइम का मिला। तो अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद नफल पढ़ के आगे हरम चलते हैं इंशाल्लाह। हम मक्का के रहने वाले हैं, तो हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम हरम की हदूद से बाहर ही आते हैं। और ये मैंने आपको बैग पर भी नज़र आ रहा होगा, एंड ऑफ हरम हदूद। तो यहाँ पे हरम की हदूद ख़त्म हो जाती है, मस्जिद आयशा हरम की हदूद से बाहर है, इसलिए हम यहाँ पे अपने एहराम की और उम्रे की नियत करने आते हैं। तो ये एक पॉइंट था, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये मतलब एक स्पेसिफ़िक कंडीशंस में मिकात है, वैसे मिकात नहीं है, लेकिन मक्का के रहने वालों के लिए ये थोड़ी सी एक वो है, इसलिए हम यहाँ पर आने का एक दफ़ा आपको दोबारा फिर से बता दी। चलो तो बस अब अभी अंदर जा रहे हैं। ये जेंट्स साइड है और इसके साथ ही यहाँ पे लेडीज साइड है। यहाँ पे साइड पर जूता उतारते हैं और अंदर चलते हैं। रात के इस टाइम भी इधर माशाल्लाह मस्जिद की रौनकें आप देखें, लोग काफ़ी हैं उम्रे वाले जो एहराम की नियत करने आए हैं, उम्रे की नियत करने। मस्जिद भरी पड़ी है। आगे चलते हैं और जगह ढूंढते हैं अपनी। पीछे से लोग काफी बैठे हैं और आगे कोई भी नहीं आया, आगे काफी जगह है। ये देखें आगे से तकरीबन मस्जिद सारी खाली है, वो अंदर बिल्ली भी बैठी हुई है। तो हम पढ़ते हैं अपनी नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिए हैं, उम्रे की नियत कर ली है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ ली है। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान फरमाए और उसको कबूल फरमाए, और अल्लाह हमें बार बार अपने घर बुलाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। इस टाइम हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, सामने बस तो आ गई है, वो देखें सामने बस आ गई है, लेकिन वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है इस टाइम भी। तो बस ऑलरेडी फुल है, लोग उसके अंदर खड़े हैं, मुझे नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली आपको इतनी दूर से नहीं नज़र आ रहा। तो अब और उसमें लोग भी रहेंगे तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, जैम पैक हो जाएगी। तो इस टाइम इस तरह कोई गाड़ी नहीं खड़ी है, गाड़ी का वेट करते हैं। आ गई तो ठीक, ना आई तो बस में जाएंगे। वन अल्लाह करे गाड़ी आ जाए, करीब उतर जाएंगे, वरना तो बहुत दूर जाती है। खैर ये हम हरम पहुंच चुके हैं, नीचे तो नहीं उतारा उसने, हमें ऊपर उतार दिया। चलो फिर भी बस से तो बहुत अच्छा, बस तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का था जो पैदल चल के आना था। तो ये हम पहुंच गए हैं और अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह हमें मताफ़ में जगह मिल जाएगी। 3 बज रहे हैं और इस टाइम भी माशाल्लाह हरम पाक की रौनकें देखें, यूँ लग ही नहीं रहा कि ये रात के 3 बज रहे हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं, चहल पहल है, रौनक है माशाल्लाह। सामने एक इंफाहा गेट है, 79 नंबर। अंदर चलते हैं और काबा की आपको भी ज़्यारत करवाते हैं और अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। और देखें जाने वाले की तादाद माशाल्लाह कितनी है, अल्लाह सबका उमरा कबूल फरमाए, आमीन।
है, ग्राउंड फ्लोर है और साइड पे नमाज एरिया है, लोग जमजम पी रहे हैं इधर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तरफ, मेरी तरफ, हम सबकी तरफ अपना नजर करम फरमा ले, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे लिए आखिरत में आसानी पैदा फरमाए। तो काफ़ी सारे लोग हैं, शुक्र है मताफ में जगह मिल गई है, सामने ग्रीन लाइट है, उधर से तवाफ स्टार्ट होगा, वहाँ पे चलते हैं और अपना तवाफ शुरू करते हैं और आपसे तवाफ के बाद मिलते हैं। तवाफ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और फजर की नमाज़ का टाइम होने वाला है और इन लोगों ने लोग बिठाने शुरू कर दिए हैं, ये सारा फीमेल्स और इससे आगे बॉर्डर लगा के, वो सामने बॉर्डर लगा के उससे आगे मेल्स और उसके आगे तवाफ हो रहा है। जब अजान होगी तो वो तवाफ रुक जाएगा उतनी देर और नमाज होगी, जमात होगी और फिर जो है नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तवाफ स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी ये आखिरी नमाज है हरम में, मताफ में, और मैं बहुत दुखी हूँ। अल्लाह ताला से बस ये दुआ, अल्लाह ताला मुझे बार बार यहाँ पे बुलाए, मुझे मक्का का मकीन ही बनाई रखे हमेशा और इंशाल्लाह दोबारा जल्द बुलाए। और मेरा दिल इस टाइम बहुत उदास है, किस्मत में लिखा है वो होना ही होता है। तो नमाज का टाइम होने वाला है, 4:30 हुए हैं, 5:00 कुछ पे अजान होगी इंशाल्लाह और फिर जमात होगी। तो अभी अजान का वेट करते हैं बैठ के। ये मेरी सहरी है और काबा के सामने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकीस्ट वन, अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। और बस अजान भी होने वाली है। ये ग्राउंड फ्लोर पे देखें माशाल्लाह सही वाले कितना सारा रश है। तो हम तो जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे है और जैसे कहते थे ना तिल धरने की जगह नहीं है, वो वाला हिसाब किताब है। यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह दूर दूर तक मौत मरीन है। ये देखें हमारी, हमारा तवाफ हो गया है, फजर की नमाज़ हो गई है और अब हम सही के लिए जा रहे हैं। तो बस चल रहे हैं, हम सही करने आए हैं हम और इधर बहुत रश है। चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। ये जो सामने आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सफ़ा की पहाड़ी है। वो देखें सफ़ा स्टार्ट, ये सामने सफा की पहाड़ी है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जा रहे हैं, नीचे से निकल के साइड पर साथ ही है। हम ऊपर आ चुके हैं और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा सके कितना कदरे कम रश है यहाँ पर, तो यहाँ पे आसानी से सुकून से आराम से सही हो जाएगी हमारी। तो अभी हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, सफ़ा से मरवा, फिर एक चक्कर मरवा से सफ़ा, दूसरा चक्कर, तो वो लगाते हैं, पूरा करते हैं सही और फिर उमरा अपना कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही भी हो गई है, सही के बाद के जो नफल होते हैं वो भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये नफल वाजिब होते हैं और जो तवाफ़ के बाद वाले हैं वो भी वाजिब होते हैं, पढ़ने लाजमी होते हैं। अब हम जा रहे हैं बाल कटवाएंगे, वो भी वाजिब हैं, उसके बगैर आपका उमरा कम्प्लीट नहीं होता। अगर आप बाल नहीं कटवाएंगे तो आपको दम पड़ जाएगा, आपको दम देना पड़ेगा। तो बस अब हम जाते हैं और बाल कटवाते हैं। ये हम मरवा पे बैठे हुए हैं जब हमने नफल पढ़े हैं, तो घर जा रहे हैं और यही वह करते हैं वीडियो को ख़त्म। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा दिल इस टाइम बहुत उदास है क्योंकि ये मेरा आखिरी उमरा है, इस टाइम मैं लास्ट टाइम हरम आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस पाकिस्तान। तो बस
दुआ आप सब भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा जल्द इधर बुलाए, मक्का में बुलाए, और मुझे मक्का का रिहायशी रखे, मक्का का मकीन रखे हमेशा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे वापस जल्द बुला ले यहाँ पे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म, हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।